दोस्तों आज है एक्सपायरी डे और हम देखें तो बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है वो है 39,840 के आसपास यहाँ चल रहा है, और निफ्टी बैंक जो है 39,837 के आसपास दोस्तों चल रहा है। 12:36 हुए हैं। एक बार हम उसकी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। जो आज इसने लो लगाया 39,597 का लो लगाया है, और 40,165 का इसने हाई लगाया बैंक निफ्टी फ्यूचर ने। एंड दोस्तों अगर ओवरऑल देखें तो 550 की रेंज में ये चल रहा है, मतलब जो भी इसने मूव दिया 550 डिस्टेंस की इसने मूवमेंट दी है। अगर हम देखें यहाँ पर चार्ट में तो आप यहाँ देख सकते हैं दो पिवट पॉइंट के बीच में ही दोस्तों ये मूव कर रहा है। ऊपर मॉर्निंग में ओपन हुआ था, नीचे गया, फिर उसके बाद ऊपर गया, उसके बाद फिर से नीचे आ चुका है। इसी रेंज में दोस्तों ये चल रहा है, ठीक है। दोस्तों इसी रेंज का हमने फायदा उठाया और हमने मॉर्निंग में यहाँ ट्रेड लिया था। अगर हम देखें तो हमने कहाँ ट्रेड लिया था वो हम देख लेते हैं दोस्तों। ओवरऑल हमारा 3,000 रुपये का प्रॉफिट है, और हमने यहाँ कॉल में दोस्तों शॉर्ट सेलिंग की थी और वहाँ हमें प्रॉफिट हुआ। एक एक लॉट में ही हमने किया था। 39,900 में हमें 2,900 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और 500 रुपये के आसपास का हमें 40,000 की कॉल में प्रॉफिट हुआ। यहाँ हमें थोड़ा सा लॉस हुआ, और नीचे हमने हेजिंग के लिए 1,000 का कॉल हमने बाय किया था। फिलहाल दोस्तों अभी हमारा यही ट्रेड था जो हमने मॉर्निंग में किया है, जिसमें हमें ओवरऑल 3,000 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों आगे देखेंगे कि हमें और कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर हम जाके यहाँ ट्रेड लेंगे। थोड़ा वेट करते हैं फिर आएंगे। तो दोस्तों 12:39 हुए हैं, तो हमें लग रहा है देख 39,810 के आसपास निफ्टी बैंक यहाँ आ चुका है। मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जा सकता है, इसलिए हम 39,800 का यहाँ पुट यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पुट यहाँ ऐड कर लिया, जिसका प्राइस अभी 87 के आसपास चल रहा है। एक बार हम इसका भी चार्ट यहाँ देख लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोस्तों ये बहुत देर से यहीं पर साइडवेज टाइप का ट्रेड कर रहा है। ये देखिए ये है, इसके नीचे दोस्तों ये नहीं जा रहा है। मुझे लग रहा है हो सकता है इसके ऊपर निकले, तो दोस्तों हम यहाँ 70 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय कर सकते हैं। थोड़ा वेट करेंगे फिर लेंगे। और दोस्तों यहाँ देखें तो ये अभी 79 पे आ चुका है, तो एक लॉट हम बाय कर लेते हैं। 25 क्वांटिटी दोस्तों हम बाय करेंगे मार्केट प्राइस पे, और हमें रिव्यू ऑर्डर यहाँ कर देते हैं, और ये हमने बाय कर लिया। तो दोस्तों हमने यहाँ बाय कर लिया, 39,800 का पुट हमने बाय किया है, और हम इसमें जल्दी से स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। दोस्तों जो हम इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे लगभग 15-20 पॉइंट का यहाँ स्टॉप लॉस हम लगा लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं अच्छा खासा ये नीचे आया है, हो सकता है ये ऊपर जाए। फिलहाल हम इसमें स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्क्वायर रूट पे जाते हैं और यहाँ स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर यहाँ लगा देते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने 78 के आसपास बाय किया है, तो हम ये लगाते हैं 17 से 18 पॉइंट। तो 61 का हमने स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ लगा दिया है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ हिट हो जाएगा, ठीक है। तो वेट करते हैं थोड़ा। तो दोस्तों हम यहाँ आए हैं, तो आप यहाँ देखेंगे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, और जो 39,800 का पुट है दोस्तों 38 रुपये पे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। इसलिए स्टॉप लॉस मस्ट भी लगने चाहिए, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकता है। जैसा कि एक्सपायरी है, बड़े बड़े मूवमेंट दोस्तों यहाँ आते हैं। आप यहाँ देखिए अचानक से मूवमेंट आया और मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, जिससे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। दोस्तों हमने यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन को बाय किया है, 39,900 के कॉल ऑप्शन को दोस्तों 84 रुपये के प्राइस पे हमने बाय किया है। और आप यहाँ देखें हमने मॉर्निंग में सेलिंग करी थी, बट हम बाइंग करके यहाँ चल रहे हैं। एक लॉट में हमने बाय कर लिया। स्टॉप लॉस लगाते हैं सबसे पहले, और यहाँ स्टॉप लॉस लिमिट यहाँ हम लगा लेते हैं। जैसे कि हमने 84 के प्राइस पर बाय किया है, तो हम इसे स्टॉप लॉस लगाते हैं 15-20 पॉइंट का ही लगाते हैं। तो 20 पॉइंट हो गए हमारे, 65 का लगा देते हैं अभी फिलहाल, और 65-64 और सेल। तो दोस्तों हमने यहाँ लगभग 19-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ लगा दिया है। अब हम बाइंग करके चल रहे हैं। मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर ही जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारा जो प्रॉफिट था 3,000 का, वो वहीं पर ही अभी है, क्योंकि कुछ कुछ हमें प्रॉफिट इस कॉल में यहाँ होने लगा, क्योंकि 84 का हमारा बाइंग है। तो 100 रुपये के प्राइस पर अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 39,900 का कॉल ऑप्शन। दोस्तों थोड़ा वेट करते हैं फिर आते हैं। तो दोस्तों 39,900 का जो कॉल ऑप्शन है दोस्तों, उसका प्राइस ऊपर जा चुका है, और हमें 50 पॉइंट से ज्यादा का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। अभी देखें तो 4,500 रुपये का प्रॉफिट है। दोस्तों मॉडिफाई करके स्टॉप लॉस को ऊपर कर लेते हैं, ताकि अगर रिवर्स भी हो तो एटलीस्ट हमें इस ट्रेड में लॉस ना हो। तो जैसे कि हमारी 84 की बाइंग है, तो इसे हम 10 पॉइंट ऊपर कर देते हैं। 95 पे हमने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया है, 95 रखेंगे, और इसे भी हम चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा 94 कर लेते हैं, और रिव्यू ऑर्डर दोस्तों कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें फिलहाल इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा, हम 10 पॉइंट के साथ यहाँ प्रॉफिट में जाएंगे, क्योंकि हमारी बाइंग 84.3 की है और हमने 10 पॉइंट ऊपर का यहाँ स्टॉप लॉस लगाया है। 84 की बाइंग है और 94 पे लगाया, तो 10 पॉइंट हमें यहाँ एज ए प्रॉफिट मिलेगा, अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो। फिलहाल दोस्तों जो हमारा प्रॉफिट है 42 रुपये के आसपास यहाँ आ चुका है,
और दोस्तों हम ये अब छोड़ देते हैं कि देखते हैं मार्केट कहाँ तक तो ऊपर जाता है, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या हमें प्रॉफिट होगा। अगर और ऊपर जाएगा तो हम अपने स्टॉप लॉस को और यहाँ ट्रेल करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर गया था, फिर थोड़ा सस्टेन किया, फिर ऊपर गया, अभी फिलहाल 3 रेड कैंडल बनी है और उसके बाद मुझे लग रहा है और ऊपर जा सकता है। फिलहाल वीवर के ऊपर दोस्तों ट्रेड कर रहा है मार्केट, तो कोई चिंता वाली बात है नहीं, ऊपर ही जाएगा। अगर नीचे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस लगा है और वहां से हम एग्जिट हो जाएंगे। दोस्तों प्रॉफिट होना हो बट हमें लॉस बिल्कुल नहीं देना है, यहाँ पर ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल हम वेट करते हैं, चार्ट चेंज करते हैं 5 मिनट का, 5 मिनट पर भी देखेंगे। तो अभी ऊपर गया था और फिर ये नीचे आया और ये है 15 मिनट का चार्ट। अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दोस्तों बनी है, वीवीआईपी के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। और दोस्तों जो हमारा टारगेट रहेगा वो जो पिवट पॉइंट है ना वहां तक हमारा दोस्तों यहाँ टारगेट रहने वाला, अगर इस कॉल ऑप्शन ये ऊपर जाता है तो। वेट करते हैं थोड़ा सा दोस्तों। जो 39,900 कॉल ऑप्शन है उसके प्राइस दोस्तों यहाँ नीचे की तरफ आ रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 132 रुपये के आसपास यहाँ आ चुका है। तो दोस्तों या तो हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हमें बुक कर लेना है या हम वेट करते हैं दोस्तों, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट से जो हमने अर्न किया है उसी से रिस्क ले रहे हैं। तो हम यहाँ वेट करेंगे, देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाता है। तो दोस्तों 39,900 कॉल ऑप्शन 115 रुपये के आसपास आ चुका है और दोस्तों हम यहाँ एक कॉल ऑप्शन और लेने वाले हैं, हमने उससे ऊपर का एक लॉट में और बाय करेंगे 40,000 का कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो 60 रुपये के आसपास आ चुका है, तो हम यहीं पे से बाय कर लेते हैं। मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए नीचे आया है इस टाइप का मुझे लग रहा है। विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे, स्क्वायर ऑफ करते हैं और यहाँ हम स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। जैसे कि 61 का हमने बाय किया है तो हम यहाँ 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 49। तो दोस्तों ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लगाएंगे और बड़े टारगेट के लिए दोस्तों यहाँ हमें वेट करना है और कुछ नहीं करना है। अब हमारा 2 लॉट है यहाँ पर। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं 40,000 का कॉल ऑप्शन 101 के आसपास पहुंच चुका है। सबसे पहले दोस्तों 40,000 के कॉल ऑप्शन से हम एग्जिट करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं हमें यहाँ प्रॉफिट हो रहा है। तो हम यहाँ 40,000 का जो कॉल ऑप्शन है दोस्तों वहां से एग्जिट करते हैं, ये स्टॉप लॉस है मॉडिफाई में जाते हैं और यहाँ मार्केट करके हम यहाँ एग्जिट कर लेते हैं, सेल कर देते हैं। तो हमें यहाँ 40 पॉइंट का दोस्तों प्रॉफिट हुआ, 61 पर बाय किया था और 100 पर हमने एग्जिट कर दिया है। और दोस्तों अभी हमारा एक लॉट यहाँ पर है जिसका प्राइस 165 तक आ चुका है, 39,900 का कॉल ऑप्शन। एक बार हम मार्केट का चार्ट देख लेते हैं फ्यूचर का। दोस्तों आप यहाँ देखिए नीचे आया और फिर एकदम से ऊपर की तरफ जा रहा है। दोस्तों अब ये कहाँ तक जा सकता है, इसकी लिमिट क्या है, आप यहाँ देख रहे हैं ब्लैक कलर की लाइन जो की दोस्तों पिवट पॉइंट की लाइन है, वहां तक ये जा सकता है। तो हम वहीं तक वेट करेंगे और स्टॉप लॉस को दोस्तों ट्रेल करेंगे। अब जाके हम मॉडिफाई में जाते हैं और हम इसे ट्रेल यहाँ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा 95 का है, थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं, हल्के हल्के अब ट्रेल करना स्टार्ट करते हैं। इस बार हम प्रॉफिट में ही जाएंगे, तो हमने 100 पे ट्रेल कर लिया है, और ऊपर जाएगा तो और ट्रेल करेंगे, थोड़ा वेट करते हैं। तो दोस्तों जो 39,900 कॉल ऑप्शन है उसके प्राइस और ऊपर जा चुके हैं, तो सबसे पहले और ट्रेल करते हैं। 100 की जगह अब हम इसे 200 तक पहुंच चुका है, तो हमसे 135 कर लेते हैं, ये हमने 130 कर लिया और सेल कर दिया। तो हमने मॉडिफाई कर दिया है, 203 तक दोस्तों इसका प्राइस जा चुका है, 231 पहुंच गया दोस्तों इसका प्राइस, और ओवरऑल दोस्तों हमारा 7,000 का प्रॉफिट यहाँ नजर आ रहा है। एक बार हम चार्ट देखते हैं कहाँ तक ये जाएगा, 3 मिनट का चार्ट लगाया, आप देखिए अच्छे कैसे कैंडल बन रहे हैं, ऊपर की तरफ भी मार्केट जा रहा है। दोस्तों जो 40,170 का जो लेवल है ना वहां तक हम वेट करेंगे, वहीं पर हम बुक कर लेंगे इस वाले कॉल को, 39,900 के कॉल को। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा सा कहाँ तक ये जाता है, क्योंकि ये देखिए ऊपर जा रहा है, 40,170 के आसपास हम यहाँ एग्जिट करेंगे बिल्कुल। दोस्तों ये जस्ट टच करने ही वाला है, तो हमें यहाँ एग्जिट कर लेना चाहिए 40,170, क्योंकि ये पहुंच गया 40,150 तक, मार्केट यहाँ पहुंच चुका है अच्छी खासी तेजी, 246 तक दोस्तों प्राइस यहाँ आ चुका है और हमारा जो प्रॉफिट है 7,300 रुपये के आसपास यहाँ पहुंच चुका है। दोस्तों देखिए प्राइस यहाँ गिरने लगे हैं, एक बार हम और चार्ट देखते हैं, 1 मिनट का चार्ट हमने लगा हुआ, आप यहाँ देखिए ऊपर की तरफ गया है ये, इसने अभी टच नहीं किया, नीचे की तरफ आ रहा है कैंडल, इसका रेड कैंडल बना है, वेट करते हैं। 40,118 पे आ गया दोस्तों, 40,150 तक मार्केट गया था और उसे टच के जस्ट रिवर्स कर रहा है, तो हमें शायद एग्जिट कर लेना चाहिए, 229 के भाव पे आ चुका है। दोस्तों एग्जिट करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, जो भी प्रॉफिट अर्न किया है हम उसे एग्जिट करेंगे। 39,900 कॉल ऑप्शन 231 के भाव पर ट्रेड करा, एक बार और देख लेते हैं चार्ट, हो सकता है ऊपर जाए,
ग्रीन कैंडल बनी है, वेट करते हैं थोड़ा सा। अगर रेड कैंडल बनता है तो एग्जिट करेंगे, अगर नीचे की तरफ जाएगा 40,127 पहुंच चुका है फिर से मार्केट। हो सकता है पिवट पॉइंट को तोड़ के ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है रिवर्स भी हो जाए। दोस्तों 232, ये देखिए 7200 रुपये का प्रॉफिट यहाँ नजर आ रहा है। ओवरऑल 227 पे दोस्तों अभी ट्रेड करने लगा, 39,900 कॉल नीचे आ रहे हैं दोस्तों, उसके प्राइस टूट रहा है, मूवमेंट थोड़ी खत्म हो रही है। तो दोस्तों एग्जिट ही करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, रिव्यू ऑर्डर करते हैं और सेल हम यहाँ कर देते हैं। तो हमने यहाँ एग्जिट कर दिया 225 के भाव पर। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ हमें 7,000 का प्रॉफिट दोस्तों यहाँ मिल चुका है, अच्छी खासा हमारा बाइंग में भी दोस्तों आज प्रॉफिट हुआ है, बहुत बढ़िया रहा। आप यहाँ देख सकते हैं 7,000 प्रॉफिट है। तो दोस्तों अच्छी खासी हमारी एक्सपायरी जा रही है, देखते हैं दोस्तों अगर हमें और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ही हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज आज के लिए इतना ही है, वेट करते हैं थोड़ा सा। दोस्तों हम यहाँ आए हैं तो 3 यहाँ बच चुके हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ ट्रेड लिए थे, अच्छे खासे प्रॉफिट हमें यहाँ हुए हैं। अभी हमारा एक ट्रेड और चल रहा है एक लॉट में निफ्टी में, 17,500 का पी दोस्तों यहाँ चल रहा है। तो यहाँ से भी हम एग्जिट कर लेते हैं और रिव्यू ऑर्डर करते हैं, सेल कर देते हैं। तो दोस्तों हमने और भी ट्रेड लिए हैं यहाँ पे, हमने फ्यूचर को हैज किया था जिसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला 2,000 रुपए के आसपास। तो दोस्तों हमारा जो ओवरऑल प्रॉफिट है यहाँ 9,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 7,000 पहले था, 2,022 रुपए और हमने यहाँ अर्न किए फ्यूचर को हैज करके। तो अच्छा खासा प्रॉफिट रहा है दोस्तों, आज की एक्सपायरी बहुत बढ़िया रही, 9,200 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिले।